गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री मन्नारायण। नाश्ता काउंटर कृपया बंद कर देवें, और जो लोग बाहर पीछे खड़े हैं सबसे निवेदन है कृपया चेयर्स पर बैठ जावें। कुछ ही मिनट की विधि के बाद हम विधिवत प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, कृपया पीछे और शांति बनाए रखें। आप सभी से निवेदन है, जो व्यक्तित्व या जिनको जिन्होंने हमारे पास नंबर रजिस्टर्ड नहीं कराए और आपको नेक्स्ट सेमिनार्स की या जो भी हमारे जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद की एक्टिविटी के बारे में जानकारी चाहिए, तो पीछे गेट के बाहर काउंटर है, उस पर आप अपना नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करा देवे। साथ ही साथ हमने पिछले 36 सेमिनार में से करीब करीब प्रायः सभी सेमिनार्स की DVD जो हमने बनाई है उसकी YouTube लिंक पीछे डिस्प्ले में है। जिस व्यक्ति को जिनको जिसकी ज़रूरत है उसका फ़ोटो ले लेवें और आप अपने घर पर बैठ के भी आप और अपने परिवार को ये दिखा सकते हैं। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद विगत 12 वर्षों से अनविरत ये प्रोग्राम आयोजित कर रहा है और ये सिर्फ आप लोगों के प्रेम आशीर्वाद और आप लोगों की इतनी बड़ी जो उपस्थिति रहती उसी के कारण ये प्रोग्राम संभव हो रहा है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं होता है, तो मेरा एक ही था कि हमने बीच में लाइव प्रोग्राम किए तो सूरत वाले अपने ही परिवार के सदस्य घर बैठे देख रहे थे, तो फिर हमारे मन में भी जो हमारी कमेटी के थॉट आया कि ये प्रोग्राम दो तरह के से कर सकते हैं, या तो हम फिजिकल करें या इसको ऑनलाइन ही कर दें। हमने कोविड में किए भी वेबिनार, अगर वेबिनार ही करना हो तो मुझे हमको हमारी टीम को इतनी बड़ी व्यवस्था मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑफिस में बैठ के हो सकता है और शायद हमारे लिए बड़ा सहज और सरल हो जाए। मगर चूंकि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप सबकी प्रेजेंस रहती है और इसको मैं कई लोगों को फिर इस ढंग से सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एक आज रामलला के दर्शन या किसी भी मंदिर के किसी भी मस्जिद के आप TV पे क्लोजअप पे करें और एक वहाँ जाके करें, उतना ही अंतर है। कितना ही क्लोजअप दे दें, वहाँ कुछ सेकंड के दर्शन आपको एक जिंदगी भर की तृप्ति देते हैं, एक फीलिंग्स देते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग ये फिजिकल सेमिनार करते हैं और कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस टाइप के सेमिनार देश ही नहीं विदेश में भी, इट्स ए यूनिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड और उसके लिए आप सब इसके कृपा के धन्यवाद के पात्र हैं। अपने सबके लिए तालियां बजाएं। किसी भी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित से की जाती है। मैं विनय भाई से निवेदन करूंगा। वैसे एक चीज़ और आपको जानकारी दी कि इस सेमिनार्स के प्रेरणा स्रोत हमारे सूरत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे हैं। सबसे पहले इसी हॉल में उन्होंने 2011 में एक निवेदन किया था कि TPA एक इंजेक्शन आया है पैरालिसिस में, पहले 4 घंटे में उसकी इम्पोर्टेंस के लिए अपने परिवार के 100-150 लोगों को इकट्ठा करो, और पहले ही सेमिनार में मल्टीपल 100 लोग आए थे। उसके बाद उसी में जब क्वेश्चन आंसर आए तो हमारे एक दो कलीग बोले कि ऐसे और अलग अलग सेमिनार आप आयोजित करो। 2011 में तो कहीं से कहीं तक कोई ना तो कल्पना थी, ना विज़न था, ना सोच थी, ना टाइम था। बट उसी दौरान उस सेमिनार के बाद 2 घटना दिवाली बाद ऐसी सामने आई कि हमारे ही परिवार के 2 सदस्यों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है। सुबह से शाम वो उसको गैस और एसिडिटी मान के घूम रहे हैं। कोई भगवान की कृपा जो दोनों केस बच गए, तो मुझे समझ में आया नेक्स्ट सेमिनार ये हार्ट अटैक भी लोग गैस और एसिडिटी मान के चल रहे हैं और ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो हमने तुरंत ही प्लान करके डॉक्टर अपूर्व वसावड़ा का नेक्स्ट सेमिनार किया और दिस इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। आज बड़े सौभाग्य की बात है, पूरे 11 साल बाद 4 अगस्त 2011 में हमने राजीव भाई को सुना था अग्रसेन भवन में, और पूरे 11 साल के बाद वापस दोबारा राजीव भाई के लिए हम लोग एक बार ताली बजाएं। एक बात और इनके बारे में बोलना चाहूँगा, जब मैंने सुबह डॉक्टर राजीव भाई से बात की और उनसे एक निवेदन किया कि आप प्लीज़ विजिटिंग कार्ड्स कुछ ले आइए, बहुत लोग पीछे से नाम नंबर मांगते हैं, तो उन्होंने एक ही चीज़ में इसको रिफ्यूज़ कर दिया, श्रीकांत भाई ये सेमिनार मैं डॉक्टर के पास बुलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ,
ये मुझे डॉक्टर से दूर करने के लिए कर रहा हूँ। मैं कोई कार्ड नहीं लाऊंगा, कोई वो नहीं लाऊंगा। बहुत लोग ये पूछते हैं कि साहब आज के ज़माने में भी आप सेमिनार क्यों कर रहे हैं, आप तो ये देखो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। तो विश्वास मानिए, डॉक्टर राजीव मेहता भी उन्हीं में से एक डॉक्टर है जो नहीं चाहते हैं कि लोग मेरे पास आए, वो घर में रह के स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, उसके लिए ये सेमिनार है, ना कि मेरे पास बुलाने के लिए है। इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट सेमिनार 14 अप्रैल को डॉक्टर कुमार नायक का रहेगा, वो भी हमारे सूरत के बड़े सुप्रसिद्ध सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कुमार नायक को भी शायद 2011-12 में लास्ट सुना था हमने। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं विनय भाई से निवेदन करूंगा, डॉक्टर राजीव मेहता, कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, ललित जी अग्रवाल को लागे अलाएँ, और विशेष रूप से हमारे सूरत के 37 सेमिनार में कम से कम 22 से 24 सेमिनार में प्रेजेंस है सेवंती भाई शाह, वीनस ज्वेल्स के नाम से सेवंती काका, एसपी से निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित के लिए आगे आएँ। गिरधर गोपाल जी मुंदड़ा, गजानन जी मालपानी, कृपया आगे आके ये कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। ललित भाई, मुरली जी सोमानी जो हमारे सब प्रेरणा स्रोत हैं, कृपया दीप प्रज्वलित के लिए आगे आएँ और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। डॉक्टर राजीव मेहता के लिए गिरधर चाचा जी दो लाइन। भाई डॉक्टर साहब, राजीव मेहता साहब के बारे में क्या बोलना, इतनी सरल, सहज, विनम्र और सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसा चेहरा जब पेशेंट सामने जाता है तो अपने आप आधा तो पेशेंट वैसे ठीक हो जाता है, जिसका कि मैं साक्षात उदाहरण हूँ। मैं बड़े टेंशन में गया तो डॉक्टर साहब बोले, अरे आप तो यू आर ऑल ओके, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, देर इज़ नो नीड टू गेट एनी फर्दर कोई भी टेस्टिंग। तो डॉक्टर साहब के बारे में तो एक ही लाइन, एक दो लाइन आपके लिए एक शेर बोलूँगा। डॉक्टर साहब ध्यान सुनिए, हरेक को अपनी खूबियों का एहसास नहीं होता, डॉक्टर साहब जैसे लोगों का मिलना इत्तेफाक नहीं होता। अच्छा कुछ किया होगा हमने, मुद्रा परिवार ने, व आपके क्या नाम, विनय भाई व आपके सब टीम ने अच्छा कुछ किया होगा, वरना डॉक्टर राजीव जी मेहता आज हमारे साथ में हैं, हमें ये यकीन नहीं होता, हमें ये यकीन नहीं होता। और साथ में इसने और प्यार के मोती लुटा कर चलते हैं, सबको अपने गले से लगा कर चलते हैं, करे कोई भी कैसे इनके कद का अंदाज, ये तो आसमां है फिर भी सर झुका कर चलते हैं, ये तो आसमां है फिर भी सर झुका कर चलते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री नारायण। विशेष रूप से मैं तो निर्मलेश भाई साहब का लूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाए और इस मंच पे खड़े करने की जबरदस्ती प्रेरणा दी। हमारे टीम के वरिष्ठ सदस्य निर्मलेश भाई साहब, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ प्रमोद भाई चौधरी,
ये सब भी हमारे सब सेमिनार के रेगुलर है। आप सबसे बोलने का निवेदन कि इस सेमिनार में जितने परिवार के दोस्तों को मित्रों को साथ में जिन लोगों को ला सकें, ये लाइव देखने का जो आनंद है ये आपको टीवी पे देखने से नहीं मिलेगा। जो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से आप चीज़ समझ सकते हो, इसमें हमने सेमिनारों के माध्यम से बहुत से लोगों की जान बचाई है। पिछले कई सेमिनार में डॉक्टर आप्टे, डॉक्टर राजी पूर्व वसावड़ा और ऐसे सब लोगों ने कैंसर के उनके सब ने बताया कैसे कैसे उनके पेशेंट ये सेमिनार के माध्यम से टाइम से ठीक हुए। अब मैं विनय भाई से निवेदन करूँगा, डॉक्टर राजीव मेहता पहले बुक एक मोमेंटो के साथ कृष्ण गोपाल जी मुंद्रा और ललित जी अग्रवाल से निवेदन करूँगा कि एक जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद की तरफ से एक मोमेंट बुके दे के सम्मान करें। साथ ही साथ निर्मलेश भाई साहब और प्रमोद भाई से निवेदन करूँगा कि उनको एक मोमेंटो दे के सम्मान करें। सेवंती भाई और विनय भाई से निवेदन करूंगा कृपया एक बुक्स, हम लोग विनय भाई बहुत अच्छी एक गिफ्ट सबको देते हैं। हाँ, अब विनय भाई से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर राजीव मेहता के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दें। वैसे तो बहुत एक घंटा भी कम पड़ेगा राजीव मेहता के लिए, फिर भी विनय भाई। भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद और महेश्वरी भवन समिति द्वारा आयोजित आज के 37वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि संडे के दिन आप अपना कीमती समय निकाल के आए इस सेमिनार के लिए। मेरे कलीग श्रीकांत जी मुंद्रा, निर्मलेश जी आर्या, अतुल बांगड़ और महेश्वरी भवन के घनश्याम चांडक और सुरेश तोसनीवाल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और लास्ट बट लीस्ट खास धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर राजीव का, जो अपना व्यस्त रूटीन से आज सेमिनार करने के लिए यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। 2500 साल पहले ग्रीस फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने बोला था, ऑल डिजीज बिगिन इन गट। हमारी जो पूरी इंडियन मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेदी, उसमें भी जो हम जब हम देखते हैं कि वात पीत की बात होती है, हमारी बॉडी में पीएच रिलेटेड पूरा इसका जो सिस्टम है ऑफ ट्रीटमेंट, वो भी पूरा पेट से ही लिंक्ड है। मैं आपको एक बुक की चर्चा करना चाहूँगा। बुक का नाम है लाइफ स्पैन। ये डेविड सिंक्लेयर ने लिखी थी, एक रिसर्च साइंटिस्ट है जो एंटी एजिंग और लॉन्जिविटी में लिखता है, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप बुक ये ज़रूर पढ़े। 500 पेज की इस बुक में अगर संक्षिप्त में बोलूं तो उसका मैसेज ये है कि हाउ मच यू ईट, व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, दैट इज द की कंपोनेंट ऑफ योर हेल्थ। मतलब पूरी बुक में सबसे बड़ा उसने अगर कोई चीज मैसेज दिया है तो खाने के ऊपर दिया है। इसका कारण है कि 20th और 21st सेंचुरी में हमारे को फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो 10x हो गई है। तो हिस्टोरिकली हम लोग जितना खाते थे उससे पूरा वो एक सिस्टम बदल गया है। स्पेशली जो डेवलप्ड नेशंस आप देखेंगे, जैसे कंट्री डेवलप होती है तो वो डेवलप्ड इज लिंक्ड विद ओबेसिटी, बिकॉज फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो इसी कारण आज का जो ये पूरा सब्जेक्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट है। संक्षिप्त में मैं डॉक्टर राजीव के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो कंसल्टेंट गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट है, सिड्स हॉस्पिटल सूरत में। आपने अपनी एमडी मेडिकल कॉलेज बड़ौदा से की, डीएनबी एम्स कोची केरला से। आपने एक बुक लिखी है, रिसर्च बुक है क्लिनिकल गैस्ट्रेंटोलॉजी पर, 45 से ज़्यादा आपके पब्लिकेशंस हैं। आपका स्पेशल
इंटरेस्ट है, इडियोपैथिक क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, जो पैंक्रियाज में सूजन होता है वो आपका एक उसमें विशेष इंटरेस्ट है। आपने रीसेंट पब्लिकेशन इन NEJM कोलैबोरेटिव वर्क विद स्पेनिश सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रेंटोलॉजी भी की है। एक और बुक का मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ इलनेस, ये नॉर्मन कजिन्स ने लिखी थी और ये रियल लाइफ स्टोरी है। 3 मैसेज इसमें नॉर्मन कजिन्स देता है कि मतलब उसको उसकी जो प्रॉब्लम थी बोले वो रिवर्सिबल नहीं है, तू शायद ठीक नहीं हो पाएगा, और बुक में वो बताता है वो कैसे ठीक होता है। तो पहला वो जो पिलर बताता है वो बोलता है स्वयं पे विश्वास, और दूसरा बताता है कि हरदम खुश रहो, और तीसरा जो बताता है द फेथ इन योर डॉक्टर, आपका अपने डॉक्टर पे विश्वास कितना है। डॉक्टर राजीव एक एक्सेप्शनल डॉक्टर है जो क्लिनिकल कंसल्टेंसी में पॉजिटिविटी से कम्युनिकेशन से अप्रोच से फ्रेंडलीनेस से वही बिलीफ आपके अंदर लाते हैं। मैंने कितने पेशेंट्स भेजे हैं बड़े स्ट्रेस्ड, काफ़ी मतलब डिफिकल्टी में, क्या होगा जब वो सर के पास कंसल्टेंसी के लिए अंदर जाते हैं, जैसे वो बाहर निकलते हैं तो फोन करते हैं कि आई फील रिलीव्ड, आई एम मच बेटर। इसका रीजन है कि वो उनमें वो बिलीफ सिस्टम लाते हैं। अब मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, कोई दिन मुझे श्रीकांत जी बोलते आज वो स्टेंटर फाइनल करना है, तो मैं बोलता हूँ आज नहीं कर पाएंगे, आई हैड अ बैड डे इन ऑफिस। अरे हम बिजनेस करते हैं, बैड डे इन ऑफिस, 8:30 बजे 60 पेशेंट देखने के बाद कभी उनके पास पेशेंट जाते हैं तो वही एनर्जी, वही खुशी, वही कंसिस्टेंसी, कभी कोई फर्क नहीं। दिस इज सिंपली अमेजिंग एंड दैट इज डॉक्टर राजीव फॉर यू। एक लास्ट लाइन के साथ मैं कंक्लूड करूंगा, अ हेल्थी गट इज अ हेल्थी यू, अ हेल्थी गट इज द गेटवे टू अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। डॉक्टर राजीव मेहता फॉर यू। एक आपकी जानकारी के लिए दे दो, जिसका भी लीवर ट्रांसप्लांट का केस हो प्लीज ये टीम से आप कंसल्ट कर सकते।
न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, न तो योगा कंसल्टेंट हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो हम उसकी चीज की बात करेंगे। मैं पढ़ा हूँ गुजराती में, फिर MBBS पढ़ा इंग्लिश में, और अब आप साथ के बात करता हूँ हिंदी में। न तो मेरी गुजराती ठीक है, न तो हिंदी ठीक है, न तो इंग्लिश ठीक है, तो कोई ना कोई चीज मिक्स होती है। वी नो इन द लेक्चर पीपल लव बाई लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, सम गुजराती, सम हिंदी, सम इंग्लिश, ठीक है। तो मैं कुछ भी बोलूंगा, आप जरा मतलब निकाल लेना, ठीक है। तो एज हमने जो बात किया था कि हमारा जन्म होता है पंच महाभूत से, हमारा मृत्यु होता है पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं। आप सबको पता है कि हम पंच महाभूत में विलीन होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो सब खुश होते हैं, हमारा मृत्यु होता है तो वो बोलते हैं बेचारा अच्छा आदमी था, बीच में कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो वो जब आप स्मशान में जाते हो उमरा में, बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन उसने लाइफ में कभी ऐसा नहीं बोला जब जिंदा था कि बड़ा अच्छा आदमी है तुम। तो ये रियलिटी है लाइफ की, ये रियलिटी है। तो मैं बात करना चाहता हूं बीच के पांच तत्वों की, जो हम मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो पंच महाभूत है, मैं बीच वाले पांच तत्व की बात करना चाहता हूं। एक है हमारी हवा, व्हाट वी आर ब्रीविंग। एक हमारा पानी, व्हाट वी आर ड्रिंकिंग। एक हमारी फूड, व्हाट वी आर ईटिंग। एक्सरसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप। स्लीप के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है, सो वी विल गिव सम एम्फेसिस ऑन स्लीप। स्लीप का इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सब पता है, आहार, विहार, आचार, विचार एंड विश्राम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विश्राम। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बुलेट ट्रेन, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट मेमो। वी नीड टू बी समटाइम मेमो इन अवर लाइफ। वी कैनॉट बी अ बुलेट ट्रेन एवरी टाइम। We need to be a little slow down. That is the most important thing. So we are going to discuss ये पांच चीज। ये पांच चीज से पता है, इसमें से थोड़ा सा भी आप करते हो तो definitely मेरे पास आने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। That is very very important. मैंने लास्ट टाइम श्रीकांत भाई को बताया था, यार आप गेस्ट्रो का सेमिनार करते हो और वहां पे समोसा और समोसा खिला रहे हो आप, तब से श्रीकांत भाई ने बंद कर दिया समोसा। सो आज जो ब्रेकफास्ट है उसकी गुड न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इट हैज गॉट अ गुड न्यूट्रिटिव वैल्यू, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो पहले बात करते हैं एयर की। सबको पता है एयर पॉल्यूशन ने पूरा इकोसिस्टम को बदल दिया है। भारत में एयर और वाटर पॉल्यूशन से मरने वालों की संख्या 2.33 मिलियन है, राइट? तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, कोविड कोविड कोविड, राइट? सो दिस डेथ इज प्रोबेबली मच मोर देन द कोविड डेथ, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत ने 1991 में वर्ल्ड के लिए दरवाजे खोल दिए, आओ आओ बिजनेस करो। सो ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जो इंडस्ट्री से गैस निकलता है, फॉसिल फ्यूल जलाने से जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एक्सेट्रा। वो क्या करता है, ये देखो, ये अपनी अर्थ है, ये ट्रोपोस्फियर लेयर है, ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर है, उसके बीच में आता है ओजोन। सबको पता है ओजोन, ओजोन अर्थ के लिए एक सनस्क्रीन लोशन है। सनस्क्रीन पता है कि जितना भी आप गर्मी में जाते हो तो सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं बिकॉज आपको अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से आता है वो नहीं आए। तो अर्थ का जो ब्लैंकेट है वो ओजोन लेयर है।
जैसे यदि ओजोन लेयर नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते, ओजोन लेयर नहीं होता तो अर्थ टेम्परेचर विल गो वेरी हाई। सो ये ओजोन का जो डिप्लीशन होता है वो इस अच्छे से कार्टून में दिखाया है, CO2 लेवल बढ़ जाता है इंडस्ट्री से, फॉसिल फ्यूल से, उसे क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज गोइंग टू डू इंक्रीज 2 सेंटीग्रेड, नॉट फेरेनहाइट, सेंटीग्रेड, इट अनदर 20 ईयर्स। ठीक है, तो क्या होगा, सब एसी चलाएंगे, एसी चलाएंगे तो मोर फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, मोर फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो और CO2 बनेगा। सबके घर में 4 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 3 सब, सबके घर में एसी, तो ये एनर्जी कहां से आएगी। द पावर डिमांड इन इंडिया बिकम ट्रिपल इन लास्ट 5 ईयर्स। तो वो पावर कहां से आएगा, कोल से आएगा, कोयले से आएगा, कोयला कहां से आएगा, वो जमीन से आएगा, कोयला फिर बर्न होगा, CO2 ज्यादा होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये सब चीज है वो हमारी अर्थ की इकोसिस्टम को खराब करती है। ये सब कहां, ये सब एवरीबडी नोज इन न्यू दिल्ली, सबको पता है ये दिल्ली में क्या है। ठीक है, सो पूरा वर्ल्ड इसके पीछे लगा है, अपने प्रधानमंत्री जी भी पहले लगे हुए हैं, जब से वो इलेक्ट हुए वो स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मिशन, हर घर जल, हर घर नल, टॉयलेट की बात करते, बिकॉज ही नोज कि ये हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, हमारे पास जो है हम पिछली आगे की पीढ़ी तक छोड़ के जाए, ऐसा नहीं कि हम पूरा कोयला साफ करें हमारे बच्चों के लिए कुछ ना रहे, ऐसा कुछ नहीं हो हम पूरा जिंक गोल्ड प्लैटिनम यूज कर ले कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कुछ नहीं रहे, तो इसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। कुछ भी चीज चाहे आप बिजनेस करते हो तो वो सस्टेन होना चाहिए, तो ये सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। तो आप देखिए, सबसे पहली पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी और रिसेंटली अभी कॉन्फ्रेंस हुई UAE में, एवरीवन हैज पार्टिसिपेटेड, मोर देन 180 कंट्री पार्टिसिपेटेड, बिकॉज एवरीवन इज वरिड, सब चिंतित है कि यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करेंगे। टेम्परेचर बढ़ा, कहीं पे सुनामी आ जाती है, कभी सुना होता है रणथंभौर में पूर आता है, रणथंभौर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हम पढ़ते हैं कि कहां से सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी में, तो वहां पे ड्राउट है अभी, चेरापूंजी में ड्राउट है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का परिवर्तन है। तो क्लाइमेट चेंज से इंप्रूव होने के लिए सब करते हैं, क्लीन एनर्जी, हम विंड पावर को यूज करते हैं, सोलार पावर को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है, ईवी सब्सिडी की बात कर रही है गवर्नमेंट, तो ये सब है। हाइड्रो पावर में कितने सारे हाइड्रो पावर है जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से क्या फायदा होता है, कोल यूज नहीं होगा, CO2 नहीं जाएगा, तो ओजोन इंटैक्ट जितना हो सके उतना रहेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू बी इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर में क्या आता है कि अपना जो बॉडी है, 60% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, 60% ऑफ अर्थ इज बीन सराउंडेड बाय अ वाटर। सब जगह पे वाटर, इट इज सो एसेंशियल, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो या मैराथन रनर हो या जिम रनर हो, योर लाइफ नीड्स अ वाटर, बट इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एक्टिविटी कॉजेस वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होता है, एज वी नो टाइफॉइड, कोलेरा, सब वाटर बॉर्न डिजीज है, और मरीन इकोसिस्टम पूरी खराब हो जाती है इफ यू ड्रिंक अ वाटर। एंड यू नो देर इज सो मैनी पीपल आर नॉट गेटिंग अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इवन इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ अफ्रीका। लोग आपने देखा होगा ऐसे वुमन आर गोइंग विद, वो बेड़ा लेके 2-2 किलोमीटर तक चलती है,
अच्छा क्लीन वाटर लाने के लिए, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है हर घर जल मिशन, सबके घर में नल हो और नल में स्वच्छ पानी आए. दैट इज अवर गवर्नमेंट मिशन एंड बाय एंड लार्ज द गवर्नमेंट इज वेरी मच सक्सेसफुल. वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करें तो हम केमिकल से वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं, बॉइलिंग से कर सकते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस से कर सकते हैं, जिसको आरओ सिस्टम बोलते हैं. इफ आपके घर में जो वाटर है उसका टीडीएस ज्यादा होता है तो टीडीएस को फिल्टर करने के लिए हमको आरओ सिस्टम की जरूरत होती है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं. वाटर इनटेक कितना होना चाहिए? 2.5 to 3 liters. अब जितना ज्यादा वाटर पियोगे, किडनी अच्छी होती है तो यूरिन के दरमियान वो निकल जाता है. आइडियल इज 2.5 to 3 liters, बट डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी. इफ यू आर मैराथन रनर और इफ यू आर डूइंग वेरी हैवी एक्सरसाइज, माउंटेनियर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज्यादा होगी. 8 to 10 liters पानी पीना है, 8 to 10 glasses पानी पीना है, 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग विंडो, हमको हम इसमें दो विंडो की बात करेंगे, एक ड्रिंकिंग विंडो और एक ईटिंग विंडो. सो ये एक ड्रिंकिंग विंडो है. ड्रिंकिंग विंडो कब होती है? जब मैं 7 बजे उठता हूं, 7 बजे के बाद 10 घंटे तक मेरी ड्रिंकिंग विंडो है. ड्रिंकिंग विंडो में ही ये 2.5 liters पानी पीना है. ये पानी है या जूस है या सूप है या दाल है, सब 2.5 to 3 liters में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये ड्रिंकिंग विंडो का मतलब क्या होता है? ये विंडो क्या खींची है? विंडो इज अवर सर्कैडियन रिदम. यू नो द सर्कैडियन रिदम, बॉडी में एक रिदम सेट होता है. ऊपर वाले ने एक रिदम दिया है कि सनराइज से सनसेट तक ये चीज होनी चाहिए, सनसेट से नेक्स्ट सनराइज तक ये चीज होती है. तो इसलिए जैनिज्म में जो फंडामेंटल है, चौवियार का जो फंडामेंटल है, वो पूरा साइंटिफिक फंडामेंटल है, सनराइज से लेके सनसेट तक. सो जो ये सनराइज और सनसेट का है, इसमें विंडो में क्या आता है? ड्रिंकिंग विंडो में आपके जो नेफ्रॉन होते हैं, किडनी, इसकी मैक्सिमम फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आप उठने के 10 घंटे तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती है. तो उसके बाद क्या होता है? कई लोगों को होता है कि रात को यूरिन 3-4 बार जाना पड़ता है. वो प्रोस्टेट का एक कारण होता है जो कुमार भाई आपको नेक्स्ट सेमिनार में बताएंगे, पर एक दूसरा कारण होता है पानी का भी. इफ यू ड्रिंक वाटर बियॉन्ड दिस ड्रिंकिंग विंडो तो यू टेंड टू गो यूरिनेट वेरी फास्ट, ठीक है? तो एक और कंसेप्ट है कि पानी को सिपिंग करना है या गल्प करना है. तो ड्रिंकिंग विंडो में आप कुछ भी करते हो, गल्प भी कर सकते हो, सिप भी कर सकते हो, बट ड्रिंकिंग विंडो के बाद में ओनली सिप करना है, ड्रिंक नहीं करना है. वो ड्रिंक और सिप करेंगे और ड्रिंक कम करेंगे तो यूरिन फ्रीक्वेंसी कम होगी, रात को उठने की भी जरूरत कम पड़ेगी और आपका बॉडी भी हाइड्रेट रहेगा. तो ये जो ड्रिंकिंग विंडो है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको फॉलो करो. 5 या 6 बजे के बाद डोंट ड्रिंक टू मच, उसे कोई फायदा नहीं होगा. ऑन द कॉन्ट्री योर नेफ्रॉन विल बी मोर एक्टिविटी, तो वो नेफ्रॉन अपने आप एक्टिविटी कम कर देता है सनसेट के बाद, तो हम और पानी पी के उसको और एक्टिव बनाते हैं, ऐसा नहीं करना है. तो ये ड्रिंकिंग विंडो है, कुछ भी पानी पी सकते हैं, हॉट कोल्ड इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. कॉफी इंटेक की मैं बात करता हूं आपको. कॉफी इंटेक जो है, आजकल बहुत बच्चे कॉफी पीते, कॉफी लवर्स, यू ऑल, मेनी ऑफ यू आर कॉफी लवर्स. कॉफी हैज एन एडवांटेज, कॉफी हैज ए डिसएडवांटेज आल्सो. सब जगह पे क्यों है सब कॉफी कॉफी की बात करता है? मैं पहली बार जब गया था यूनाइटेड स्टेट्स 2007-08 में, तो कोई पता नहीं है कैपुचिनो क्या होता है यार. तो मैं स्टारबक्स में गया पहली बार, सब बोलते हैं स्टारबक्स स्टारबक्स, भारत में तो था नहीं तब. इसके बाद टाटा ने कोलैबोरेट किया स्टारबक्स के साथ. तो मैं गया तो एक मेरे आगे व्हाइट पर्सन था, he was giving a order of large cup cappuccino with cream with sip, 4-5 बार बोल गया. अरे मैं तो देखता रह गया. देन मेरा टर्न आ गया तो मुझे पूछा, आप what do you want gentleman? मैंने कहा वो उसने जो बोला वो सेम सेम टू सेम. पता नहीं ये क्या है, was not knowing what is latte, what is cappuccino.
ठीक है, तो कॉफी से क्या होता है, कॉफी हैज अ डाइयूरेटिक प्रॉपर्टी। डाइयूरेटिक प्रॉपर्टी मींस कॉफी पीते ही आपका यूरिन ज्यादा होगा। इफ यू आर ड्रिंकिंग कॉफी 250 ml, यू विल पास एक्स्ट्रा 250 ml यूरिन, सो यू विल पास 500 ml यूरिन। सो इफ यू आर ड्रिंकिंग 1 cup ऑफ कॉफी, यू हैव टू रिप्लेस विथ 1 full glass ऑफ वाटर टू मेक योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अंडरस्टूड? सो आप एक पूरा कॉफी, अब स्टारबक्स में जाओ, लार्ज स्मॉल मीडियम, इतना लार्ज कॉफी पीते हैं बच्चे आजकल के, ठीक है, तो वो लार्ज कप कॉफी का ये डिसएडवांटेज है। यू हैव टू ड्रिंक सेम अमाउंट ऑफ वाटर। TDS मैंने बात की, अवर म्युनिसिपल वाटर, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर इज अ वेरी गुड वाटर, उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत नहीं है। वी आर ड्रिंकिंग एक्सेप्टेबल वाटर क्वालिटी। कल का डेटा है, कल 200 TDS था अवर कॉर्पोरेशन का डेटा, इट इज अ गुड एक्सलेंट। सो कॉर्पोरेशन, सूरत कॉर्पोरेशन का डेटा 200 का था, और कल सिंगापुर का कितना था, 160, ठीक है। सो वी आर ड्रिंकिंग अ गुड वाटर, सो उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सेक्शन में मेरे पास क्वेश्चन आएगा अल्कलाइन वाटर का, तो उसके लिए मैं बात करने वाला हूं कि अल्कलाइन वाटर, जिसका वाटर पीएच मोर देन 7 है, उसको अल्कलाइन वाटर कहते हैं। ट्रू अल्कलाइन वाटर शुड नॉट रीच मोर देन 9 pH। हमारे पास 11-12 pH वाले भी अल्कलाइन वाटर है, दिस इज नॉट राइट। अल्कलाइन वाटर का कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अल्कलाइन वाटर हेल्प्स यू इन योर न्यूट्रिशन, इन रिज्यूनोवेशन। वो क्लेम करते हैं एज कम हो जाती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, डाइजेशन ठीक होता है, बट साइंटिफिक लिटरेचर में उसके कोई एविडेंस नहीं है। तो अल्कलाइन वाटर और जो बाहर मिलता है अल्कलाइन वाटर, उसकी तो वैल्यू बहुत कम है। ये प्रोबेबली समटाइम्स सम मार्केटिंग टिंज इज देयर इनसाइड, बट देयर इज नो लिटरेचर सपोर्ट इन अ साइंटिफिक लिटरेचर अबाउट एन अल्कलाइन वाटर। हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, मूवमेंट की। हमारे पिताजी क्या करते, चाचा जी आप जब थे तब तो आपका पूरा टाइम साइकिल पे जाता था, वॉकिंग पे जाता था। विनय भाई आपके पिताजी पटना में पूरे वॉक साइकिल पे जाते थे। हम थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा चलते हैं, और हमारे बच्चे बैठते ही रहते हैं, दे डोंट मूव। तो सी दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मूवमेंट का क्या फायदा है, सिटिंग मेक्स यू फैट, फैट विल लीड टू प्रीमेच्योर डेथ। तो सिटिंग से फैट बनती है। 2 घंटे की सिटिंग करते हैं ना आप, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का डेटा है, आप 2 घंटे बैठते हैं तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल 20% ड्रॉप हो जाता है। HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो ड्रॉप हो जाता है 20%। डेली 20 to 30 minutes ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज इज मस्ट। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो। और एक है कि 10,000 steps आपको वॉक जरूर करना है, 10,000 steps, ठीक है, सब फिटनेस के लिए है। आप देखो अनिल अंबानी भी मैराथन दौड़ रहा है, ये अपने रघुराम राजन, यू नो पुतिन इज सो स्ट्रांग, दोनों वाल्डिमिर पुतिन भी स्ट्रांग है, जेलसिंस्की भी स्ट्रांग है, इसलिए युद्ध कम नहीं हो रहा है। 2 साल से चल रहा है यूक्रेन रशिया, बिकॉज दोनों फिटनेस, दोनों का आप देखो बॉडी। जेलेंस्की तो ग्रीन टी शर्ट में ऐसा लगता है कि यार उसको तो फिल्म स्टार होना चाहिए, मगर हकीकत में वो फिल्म स्टार ही था, फिल्म स्टार से वो प्रेसिडेंट बन गया यूक्रेन का। तो ये सब, एवरीबॉडी वांट्स फिटनेस, बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर नॉट फिट यू कैन नॉट ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन। योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू योर फिटनेस। यू नीड टू बी फिट, एंड फॉर द फिटनेस यू नीड एन एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि हमको मैराथन रन करना है,
20 minutes moderate exercise 6 days a week is more than enough. We don't want to become like a Salman Khan, 6-pack, 8-packs, 9-packs. We don't want. We want to live our life very healthy. Sleep. Upar ka sleep ka बहुत बड़ा आपको नाम है विवेकानंद जी का, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, विवेकानंद जी ने बताया था. तो उनका कंटेक्स्ट अलग था और मेरा कंटेक्स्ट अलग है. मैं सोने की बात करूंगा आज, तो मैं अलग तरह के सोने की बात करूंगा और वो अलग तरह का मीनिंग था जागने का, कि यू कॉन्सेंट्रेट, आपका मूड को अच्छा रखिए, अलर्ट रहिए, बी अटेंटिव, लर्निंग एक्टिविटी करिए, तो वो है ना, कि पूरे दिन में इंस्टा के रील देखते रहो. ठीक है, तो स्लीपिंग इज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल. सभी चीज को रेस्ट चाहिए, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए. बॉडी जब रेस्ट में होता है तो उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है और बॉडी रिपेयर होता है. एनीबडी इन द वर्ल्ड, वो जीवित जो जीवित वस्तुएं हैं उसको रेस्ट चाहिए. रेस्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल. जब हम रेस्ट कम करते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है, मेलेटोनिन कम होता है, हमको भूख लगती है, हमको क्रेविंग होती है, तो हम समोसा ज़्यादा खाते हैं, हम चीज़ वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, हम कोक ज़्यादा पीते हैं. ये सब प्रॉब्लम होता है आईटी सेक्टर में. जो अमेरिका के साथ काम करता है वो रात को जागते हैं. दे आर नॉट स्लीपिंग ऑन द सर्कैडियन रिदम. जो सर्काडियन रिदम में स्लीप करना है कि भाई सनसेट 8-9 बजे सो जाना है, 7-6-4-5 बजे उठना है, दैट इज आइडियल. यू नीड आइडियल 7 आवर्स स्लीप. आजकल सब बातें करते हैं मेंटल फिट, फिजिकल फिटनेस की, सब प्रोटीन पाउडर, सब जिम, पर मेंटल फिटनेस की कोई बात नहीं करता है. मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मोर देन 50% एज अ मेंटल इलनेस, नॉट अ फिजिकल इलनेस. और जो मेंटल इलनेस है, हमारे पास एक टैबू है, सोशली टैबू है. मैं यदि मेरे मेंटल इलनेस है तो मैं मेरे फ्रेंड से बात नहीं करूंगा कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई लाइफ. मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी इमेज डाउन हो जाती है. तो इसीलिए जो हम मेंटल फिटनेस की बात करते हैं, मेंटल फिटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर एक्सरसाइज एंड अ स्लीप. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर मेंटल फिटनेस बाय अ योगा, बाय अ मेडिटेशन, बाय अ चैंटिंग. तो आप किसके साथ आजू बाजू में हो, जो बोलते हैं ना विचार विहार एंड आहार, तो जो विचार है वो आपका फूड है ब्रेन का. इसके फूड की कोई बात नहीं कर रहा है. आर वी टॉकिंग अबाउट दिस फूड? किससे मिलते हैं, क्या देखते हैं, इंस्टा पे किसके कनेक्ट होते हैं, फेसबुक से किसके को कनेक्ट होते हैं, ये कोई नहीं देखता है. वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट इज अ न्यूट्रिशन हियर. मैं किसके साथ बैठता हूं, किसके साथ जाता हूं, वो इसका फूड है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बोलते हैं ना कि संगत की असर होती है, जैसी संगत ऐसी असर. ये कितने कितने ने सुना है? सबने सुना है. इसलिए वो बोलते हैं यार ये बहुत गुंडा है, उसके साथ भाईबंदी मत कर, क्योंकि वो पता है कि वो गुंडे का थोड़ा बहुत चीज तुम्हारे में आने वाला है. तो ये मेंटल फिटनेस की बात होती है. तो क्वालिटी ऑफ अ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू स्लीप 6 hours or 7 hours, यू शुड गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप. क्वालिटी स्लीप के लिए देर आर सर्टन टिप्स. एक तो टिप से ब्लू लाइट एक्सपोजर को कम करना है. हमारे मोबाइल में जो लाइट आती है ना, वो कौन सी लाइट है? ब्लू लाइट. ब्लू लाइट से क्या होता है? ब्लू लाइट अंदर जाती है, वो मेलेटोनिन को सिक्रीट नहीं करती है.
मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो नेचुरल स्लीप इंड्यूसर है। कई बार हम फॉरेन से आते हैं तो जेट लैग होता है, तो लोग मेलेटोनिन लेके नेचुरल स्लीप में कन्वर्ट करते हैं जेट लैग को, राइट। सो ये मेलेटोनिन, जब ये लाइट चालू होती है, ब्लू लाइट होती है, तो मेलेटोनिन बॉडी में सिक्रीट नहीं होता है, तो आपको अच्छी नींद नहीं आती है। ब्लू लाइट फिल्टर वाले सब डिवाइस आए हैं, फिर भी वो ब्लू लाइट को एमिट तो करते ही है 50% तक। तो देर इज नो गारंटी कि आप ब्लू लाइट फिल्टर लगाओ तो ब्लू लाइट फिल्टर नहीं आएगा। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डार्कनेस इन द रूम एंड अवॉइड ब्लू लाइट। स्कैरी मूवी और नहीं देखना है, वो रात को आता है ना क्राइम पेट्रोल, वो रात को आता है, वो क्राइम पेट्रोल के बाद तो नींद आएगी ही नहीं यार आपको, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग कभी नहीं देखना, स्टॉक कितना हुआ रहा, 40% गिर गया आज तो, और रात को नहीं देखना है यार, ठीक है। तो रात को देखोगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी। आर्ग्यूइंग विद स्पाउस, पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ आर्ग्यू नहीं करना है रात को। मैंने एग्जाम्पल दिया था अंजू भाभी का, उसने बताया था, श्रीकांत भाई को बोला था कि श्रीकांत आईफोन 20 आया है, रात को 10 बजे थे, तो श्रीकांत भाई ने बोला यार कितने की कॉस्ट है, तो अंजू भाभी ने बताया 1,30,000 की, तो श्रीकांत भाई ने रात को हाँ बोल दिया, सुबह ना बोल दिया। तो मुझे पता, उनको पता था कि यदि आर्ग्यू करोगी तो मुझे स्लीप नहीं आएगी अच्छी, क्योंकि जितना आर्ग्यू आप करते हो उतना कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है, कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है तो वो स्लीप नहीं कराता है आपको, जैसे फाइट एंड फ्राइट होती है ना, कि हम कोई भी मुश्किल में हमारा कॉर्टिजोल बढ़ जाता है तो हम दौड़ने लगते हैं, कोई भी कंडीशन में आता है कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, तो कॉर्टिजोल क्या करता है, बाकी सभी हार्मोन को दबा देता है। कॉर्टिजोल जितना आप लेते हो, जितना कॉर्टिजोल ज्यादा आता है तो बाकी के हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं, इंसुलिन सप्रेस हो जाता है, थायराइड सप्रेस हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाता है। तो जितना भी हो सके कॉर्टिजोल को कंट्रोल में रखना है। कॉर्टिजोल को कंट्रोल में कौन रखता है, ये कूल। मैं अपने पेशेंट को बताता हूं, यार फोन में से आप कितने बार डिलीट करते हो रोज, वंस अ डे, फोन में से डिलीट प्रोसेस कौन करता है, रोज करते हो, तो मैं कहता हूं भाई दिमाग में से भी डिलीट करो यार। दिमाग में से जब तक आप चीज को डिलीट नहीं करोगे, योर माइंड विल नॉट बी इन अ गुड कंडीशन। सो डिलीट प्रोसेस जो है वो फोन के साथ दिमाग से भी हमको करना है। सोशल मीडिया तो कभी नहीं देखना यार, क्योंकि सोशल मीडिया में पता चला कि मेरा फ्रेंड रोम इटली में घूम रहा है और मैं यहां राउंड ले रहा हूं, एक एफिल टावर के नीचे पिज्जा खा रहा है और मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा हूं, तो वो एक कंपैरिजन है। आजकल जो भी इवेंट होते हैं वो सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए इवेंट क्रिएट किया जाते हैं, कि भी मुझे इंस्टा पे पोस्ट करना है, मुझे फेसबुक पे पोस्ट करना है, मुझे लाइक मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे डिसलाइक का कोई बटन नहीं है। आप सोशल मीडिया में डिसलाइक का बटन, तो वो तो देखो, फेसबुक में जब डिसलाइक का बटन की चर्चा हो रही थी तो 5 दिन तक मार्क जुकरबर्ग ने अपनी पूरी टीम से डिस्कस किया कि डिसलाइक का बटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली दे कम्स कि नहीं होना चाहिए। डिसलाइक का बटन नहीं है इसलिए तो पॉपुलर है। द मोमेंट यू गिव अ डिसलाइक बटन, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो डिसलाइक के बजाय उन्होंने इमोजी ले दिए, ऐसे इमोजी, वैसे इमोजी, अलग अलग इमोजी दे दिए, तो इमोजी के माध्यम से आप थोड़ा डिसप्लेजर कर सकते हो, लेकिन कोई करता नहीं है डिसप्लेजर, सबको लाइक तो मेरे पास एक आता है तो मुझे तो ठेंगा तो दिखाना पड़ेगा, चाहे मुझे अच्छा लगे कि नहीं लगे, ठेंगा तो दिखाना पड़ेगा। ठेंगा नहीं दिखाए तो अरे यार मेरी पोस्ट पड़ी नहीं तूने, मैं भूल गया यार, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो खाना जो मेन चीज है, कितना टाइम होगा, आधा घंटा हो गया। खाना
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो ईच बाइट वी टेक डिसाइड्स अवर फैट फेट, नॉट फैट फेट। हम जो खाते हैं वो ईच बाइट जो है हमारा फेट को डिसाइड करती है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि फूड तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, सबको पता है। भारत में जो इवोल्यूशन हुआ फूड का वो बहुत ही क्लासिक है। हम कभी पोटैटो नहीं खाते थे बट पोर्टुगीज वाले पोटैटो लेके आए। हम कभी चाय नहीं पीते थे, चंगेज खान चाय लेके आया। हम कभी गेहूं नहीं खाते थे तो गेहूं और कॉफी ब्रिटिशर्स लेके आए। फिर बाबर आया, मुगल आया तो हमारे पास नवरत्न कुर्मा आया, हमारे पास बिरयानी आई, मुगलाई क्यूजीन आया। सो इंडियन डाइट इज इन कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन। फिर हम बाहर जाने लगे तो फिर साथ में हम पिज्जा लाए, फिर बर्गर लाए, फिर चाइनीज लाए। तब तक तो सीमित था, अभी तो सभी कंट्री के फूड आ गए, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, लेबनीज, थाई, क्या क्या सब। अभी कोई बड़े लोगों की शादी में आप जाते हो तो दाल चावल ढूंढने में 15 मिनट लगते हैं। मैं अभी शादी में गया था, इतनी सारी आइटम थी, मुझे किसी के नाम पता नहीं थे। फिर मैं देखता था कि ये मेन डिश है या डेजर्ट है, फिर ऊपर देखता था कि ये मेन डिश है तो ये तो डेजर्ट नहीं है, मुझे लगता ये डेजर्ट होगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया, बाहर के खाने को इतना इंपॉर्टेंस हम दे रहे, न तो हमारा पेट उसके लिए है, न तो हमारे पास उसके मसाले है, न तो यहां पे कल्टीवेट होता है, न तो यहां के महाराज को वो बनाना आता है। फिर भी वो अपने महाराज होते हैं, श्रीकांत भाई के महाराज है, श्रीकांत भाई आपके महाराज है राजस्थान के, और उसको आप बताते हो कि आप सोया सॉस में ये डाल के उसको ये बना के ये दो, तो वो महाराज बोलता है भाई जी कल से नहीं आऊंगा मैं। तो ये चीज है कि ना तो हमारा पेट उसके लिए है, फिर भी हम ठूसे जा रहे ठूसे जा रहे। तो वो चीज है कि ये अपनी जो अपने जो फोर फादर थे, दादा थे, सब सात्विक फूड खा रहे, हम ये राजसिक फूड खा रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत एडवांटेज तो है ही इसमें, ठीक है। चीट डे पे बहुत सब चर्चा हो रही है, सब चीट डे करते, ठीक है, आप चीट डे करो, अपने आप को चीट करो, अपने शरीर को चीट करो, पर एक ही दिन का चीट करो हफ्ते में। हम तो रोज चीट डे करते और एक ही दिन अपने शरीर को देते। अभी आज सबने सुन लिया तो आज कोई चीट डे नहीं करेगा, कल से सब भूल जाएंगे, ठीक है अतुल भाई। तो ये जो राजसिक फूड है, ये जो हमारे बच्चे खा रहे हैं, वो तामसिक फूड है। दिस आर नॉट एट ऑल गुड फॉर द डाइट, ठीक है। ये सब क्लासिफिकेशन है, आपको गूगल से मिल जाएगा। तो देखो इंडियन टेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, अरोमा है, अरोमा। अरोमा का मतलब सुगंध। प्रमोद भाई के घर आज वड़ा सांभार बनता है वो बाजू में पता चल जाता है कि आज प्रमोद भाई के घर वड़ा सांभार बना है। वो एक अरोमा होता है, वो अरोमा इंडियन फूड के अलावा किसी में नहीं है। वो अरोमा आता है स्पाइसेस से। स्पाइसेस भारत में था इसलिए वास्को दी गामा आया, स्पाइसेस भारत में था इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पोर्टुगीज आए, फ्रेंच आए, सब आया। तो स्पाइसेस का जो कंसेप्ट है, वो जो ब्लेंड होता है, वो भारत के अलावा कहीं पे नहीं है। तो जो उसे टेस्ट भी आता है, फीलिंग भी अच्छी होती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत है उसकी, ठीक है। तो ये जो होता है सीरियल पल्सेस, जो हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, घी जो होता है, हमको घी देते, ऑयल फैट देता है, डेयरी प्रोडक्ट, गरम मसाला, वेजिटेबल, दिस ऑल आर गुड। और जो हम मुखवास खाते हैं वो भी बहुत अच्छा है,
लेकिन मुखवास भी आज बदल गए, 25-25 मुखवास होते हैं शादियों में। पर मैं पूछता हूं, ये डिनर मुखवास का है कि क्या है? तो पहले आप मुखवास रखो, बाद में खाना रखो। अभी गया था, 22 मुखवास थे, ठीक है। तो मुखवास दो, एक दो जो हेल्थ के लिए गुड है तो दैट इज बेस्ट। जो हम खाते हैं, सीड्स खाते हैं, चिया सीड्स खाते हैं, स्नफ खाते हैं, तो दैट इज गुड फॉर द डाइजेशन। सो पानी के लेके मुखवास, वी आर द बेस्ट। फिर भी हम वेस्ट के पीछे जा रहे हैं। हमारे पास ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सब ऑयल है, पर सबको ऑलिव ऑयल में करना है सब, क्योंकि मार्केटिंग कर रहे हैं ऑलिव ऑयल वाले। ऑलिव इज द बेस्ट, ऑलिव इज द बेस्ट। और वो इसमें क्या होता है, फीमेल को टारगेट करते हैं तो इजी हो जाता है। हस्बैंड का हार्ट ऐसे दिखता है, धक 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 धक, तो वो फीमेल को टारगेट करते हैं कि यार तू क्या करती है। वो एडवर्टाइज भी ऐसे करते हैं, मेरे हस्बैंड को स्टेंट लगाया, क्या तू ऑलिव ऑयल में यूज करती है? मेरा हस्बैंड तो 60 ईयर्स के, अभी कुछ नहीं है यार। तो वो बेचारी ऑलिव ऑयल लेके आ जाती है। तो ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो अपना ऑयल, देसी ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। में बाद में आता हूं उस। ये सब डाइट, बहुत तरह के डाइट लोग करते, पता नहीं क्या क्या डाइट करते, विच इज नॉट ट्रू। देखिए, डाइट कैसा होना चाहिए जो आप कर सके और सस्टेन कर सके। मुझे इंटरमीटेंट फास्टिंग 16 घंटे करना है तो 2 दिन करूंगा, तीसरे दिन फैंकी और समोसा। तो जो करना है वो आप सस्टेन होके करिए। सब कीटो डाइट पे लगे हुए थे, कीटो डाइट कैन नॉट बी सस्टेनेबल, पेलियो डाइट कैन नॉट बी सस्टेनेबल। अभी विगान पे सब लगे, विगान विगान, वेजिटेरियन का विगान करते हैं, पर ठीक है, विगान भी अच्छा है, बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तुम आपको B12, फॉलेट, कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं जब आप विगनिज्म पे जाते हो। तो सबके प्लस सबके माइनस है, लेकिन आपको खुद सोचना है आपका कल्चर क्या है। भी मेरा कल्चर ग्राउंडनट ऑयल, सफोला का ऑयल, पर मस्टर्ड ऑयल में मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा खाना, जिसको हम बोलते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ फूड। आप पनीर टिक्का मसाला दिल्ली में खाओ, पनीर टिक्का मसाला सूरत में खाओ, पनीर टिक्का मसाला कलकत्ता में खाओ, तीनों अलग पनीर टिक्का मसाला है, बिकॉज द मीडियम विच वी यूज इज अ ऑयल इज डिफरेंट। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। तो सबका जो मीडियम होता है बनाने का वो अलग होता है। तो अपने कल्चर को ध्यान में रखो, अपने कस्टम को ध्यान में रखो, और अपनी पॉकेट को भी ध्यान में रखो। पॉकेट को भी ध्यान में रखना है। ऑलिव ऑयल के भाव सुने हैं, ठीक है? तो वो सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट से हाफ कैलोरी मिलनी चाहिए, फैट से 20-30%, प्रोटीन से 20%, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हम कार्बोहाइड्रेट को इतना खराब तरीके से ले रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी आर ईटिंग इज ऑल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड गेहूं, रिफाइंड राइस। और ये रिफाइनमेंट की प्रोसेस जो होती है, पहले तो मुझे पता था, मैं जब छोटा था तो मेरे घर पे पूरी गेहूं की बादली आती थी, हम सब बैठते थे, उसमें से कंकर निकालते थे, फिर उसको पीसते थे, और पीसने के बाद वही आटा खाते हैं। तो अभी क्या होता है, हम क्या खाते हैं, ITC ने बनाया हुआ आटा खाते हैं। हम अदानी साहब जो बनाते वो आटा और ऑयल खाते हैं, ठीक है? तो ये जो है वो कहीं ना कहीं पे हम प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट को रिफाइन करते हो, उसमें से अच्छे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। सो आप मानो कि आपका जो होल ग्रेन्स है दैट इज मोस्ट न्यूट्रिशियस, ब्राउन राइस है विच इज मोर न्यूट्रिशियस देन द व्हाइट राइस। तो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आजकल आप देखो, ओबेसिटी का मुख्य कारण है कार्बोहाइड्रेट। ये सब आपको पता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैं जब खाता हूं
तो मेरे माउथ से ही शुगर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो इंसुलिन को स्पाइक करता है। मैं गुलाब जामुन खाया, एक गुलाब जामुन, तीन पड़े हैं प्लेट में, एक ही डाला है अभी तो। जैसे ही गुलाब जामुन यहाँ पे सलाइवा में जाएंगे, सलाइवा में एक एमाइलेज नाम का एक तत्व होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज जैसे ही कन्वर्ट होता है क्या बनता है? इंसुलिन। ग्लूकोज को कौन डाइजेस्ट करता है? इंसुलिन। तो जैसे ही ग्लूकोज आता है, इंसुलिन का स्पाइक बढ़ता है, इंसुलिन का स्पाइक बढ़ता है तो बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फैट में। तो जो हम मोटापा की बात करें, मध्य प्रदेश को जो बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, तो मध्य प्रदेश बढ़ने का जो कारण है वो ऑयल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, फर्मेंटेड फूड है, अपना प्रोसेस फूड है, नॉट फर्मेंटेड, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश कम हो रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज है कि आप जो भी चीज खाओ, हमें कोका कोला पीता हूं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है, मैं ब्राउन राइस खाता हूं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 है, लेकिन व्हाइट राइस खाता हूं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। तो ब्राउन राइस इज इंपॉर्टेंट। यदि आपको व्हाइट राइस खाना है तो आप उसमें विनेगर डालिए, उसमें नींबू निचोड़िए, एप्पल सीडर विनेगर डालिए, तो उसे क्या फायदा होगा? विनेगर और एसिटिक एसिड मुंह के एमाइलेज को एक्टिवेट नहीं करता है। तो आपका जो व्हाइट राइस है इसमें एक नींबू ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आधा कर देगा। वेरी सिंपल सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। अभी ब्राउन राइस तो कहां पे मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, ब्राउन राइस मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। अभी सब ब्राउन राइस, बाद हम केरला में थे तो ब्राउन राइस ही खाते थे, वी वेर ईटिंग ब्राउन राइस केरला में, पर हम व्हाइट राइस जो है बासमती जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें यदि आप नींबू डालते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाती है। तो आप ऐसे फूड खाइए जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, जिसमें आप एसिटिक एसिड दे सकते हो। तो ये सब यू आर स्टूपिड एक बुक है, आप इतना खाते हो तो यू आर स्टूपिड। देखो ये बच्चा है, रोलर स्केट पे जा रहा है तो मम्मी बोलती है कि भाई तू गिर जाएगा, तो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे सब प्रोटेक्टिव डिवाइस करते हैं बच्चे को। लेकिन बच्चा जब भी रोलर स्केटर से आता है तो मम्मी क्या देती है? ट्रॉपिकाना। तो मम्मी को लगता है कि ट्रॉपिकाना इज वेरी हेल्दी, तो ये बिल्कुल गलत है। जब आप बेटा आपसे, आपको बेटे को फिजिकली बहुत केयर करते हो कि गिर ना जाए, ये नहीं हो जाना चाहिए, बट यू आर नॉट putting other way round. Sugar candy for cancer. क्या? Candy for cancer. American Heart Association के मुताबिक 38 से 40 ग्राम से ज्यादा sugar नहीं चाहिए हमको, plain sugar. मैं भी sugar बिना की चाय नहीं पी सकता, पर फिर भी क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं, मैं पीता हूं पर शुगर वाली ही चाय पीता हूं। मैंने ट्राई किया बट वो मजा, वो नहीं मजा आता है, पर धीरे धीरे आई एम ट्राइंग। तो 38 ग्राम्स ऑफ शुगर ही हमको चाहिए, मतलब हमको चाशनी वाला एक गुलाब जामुन और चाशनी बीने के दो रसगुल्ले इनफ है पूरे दिन में, पूरे दिन में। फिर फैट, फैट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप सब में, कौन सा फैट यूज करना है? तो तीन प्रकार के फैट होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। तो जो भी आप चीज लेते हो उसमें आपको देखना है मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पोली अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सैचुरेटेड फैट से LDL बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो काफी सारे अपने जो है राइस ब्रांड ऑयल, कोकोनट तेल है, राइस ब्रांड तेल है, सनफ्लावर है,
सफोला जो हम करते हैं उसमें मोनो और पोली अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, ऑलिव ऑयल में पॉली बहुत ज़्यादा होता है, पर ऑलिव ऑयल अपने देश के लिए बना नहीं है, वो कोल्ड कंट्री के लिए बना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। जब अंजू भाभी आप वघार करते हो, आप तड़का लगाते हो, तो उसका टेम्परेचर होता है 300 फेरेनहाइट, 350 फेरेनहाइट का होता है टेम्परेचर। यदि आप ऑलिव ऑयल में करते हो तो वो पूरा डिग्रेड हो जाता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ऑलिव ऑयल को आप स्प्रेडिंग में यूज कर सकते हो, जो हम अभी वही करते हैं ज़्यादातर लोग स्प्रेड्स में या ऊपर छिटकाव में करते हैं, उससे खाना नहीं बनता है। कोकोनट ऑयल हैज़ गॉट द वर्स्ट ऑयल बिकॉज दी हैज अ सैचुरेटेड फैट, बट उसका कोई और एडवांटेज काफ़ी सारा है, इसलिए साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल बहुत यूज करते हैं। पाम ऑयल सबसे खराब, पाम ऑयल हैज गॉट अ हाइएस्ट सैचुरेटेड फैट। पाम ऑयल का एडवांटेज क्या है कि पाम ऑयल में बनाई हुई चीज ज्यादातर टिकती है, इसलिए जो प्रोसेस फूड वाले हैं, वो पैकेज फूड वाले हैं, वो ज्यादातर पाम ऑयल में बनाते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है। तो ये एक फैट है, फैट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। 5 टेबलस्पून से ज्यादा फैट नहीं लेना है पूरे दिन में, दिस कम्स टू 25 ग्राम्स ऑफ फैट ऑयल, और 25 ग्राम से मल्टीप्लाई बाय 9 करो तो आपको 400 कैलोरी 300 कैलोरी इसकी मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं घी की। हाउ मेनी ऑफ यू फील घी इज बैड और घी इज गुड? यस, घी इज गुड। मैंने अपूर्व भाई से भी बताया, सर आप घी की ना मत बोलो यार, घी तो खाने दो सबको। ठीक है, घी में डेफिनेटली सैचुरेटेड फैट है, इसलिए वो सॉलिड दिखता है। सॉलिड चीज सैचुरेटेड फैट की होती है, लिक्विड चीज पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होती है। तो घी इज गुड इफ यू टेक इन अ स्मॉल क्वांटिटी और एन एडिक्वेट क्वांटिटी। घी में से ब्यूट्रिक एसिड होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। घी में से एक लिनोलेनिक एसिड होता है, जो पूफा बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो एक्सेलेंट है बॉडी के लिए। इट एक्ट्स एज एन एंटी कैंसर एजेंट, एज अ पूफा, पूफा मूफा आपने सब सुना होगा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें ओमेगा 3 के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो घी इज नॉट बैड। प्रोटीन एवरीवन नोज दिस इज द बेस्ट। बॉडी में 10-20% कैलोरी कहाँ से मिलनी चाहिए? प्रोटीन से मिलनी चाहिए, अपने पल्सेस से मिलनी चाहिए। देखिए अभी पल्सेस में गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर क्या किया था, मिलेट मिशन किया था, मिशन मिलेट। उसका कारण क्या था, वी आर बिग सोर्स ऑफ मिलेट और वीट का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है। एक वीट में कई लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है जो मिलेट में नहीं होती है। मिलेट में फाइबर ज़्यादा होता है वीट के कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट कम होता है वीट के कंपैरिजन में, और मिलेट का आटा बनाने में, डो करने में ऑयल मिनिमम जाता है। आप वीट का फ्लोर को आटा बनाओ, डो बनाओ, तो उसमें ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। मिलेट के बहुत सारे एडवांटेजेस है, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग मिलेट, मिलेट एंड मिलेट। देर आर 30 स्टार्टअप स्टार्टेड फॉर अ वेरियस मिलेट डिशेस। तो ये एक प्लेट है, ऐसी प्लेट होनी चाहिए आपकी। ये पिरामिड सबको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अपने सैचुरेटेड फैट कम होती है, शुगर कम होती है, प्रोसेस फूड कम होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइट शुड बी सस्टेनेबल। देर इज एन ईटिंग विंडो, अगेन कम्स एन ईटिंग विंडो, सनराइज टू सनसेट, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिसर। सनराइज, गवर्नमेंट ऑफिसर 8-9 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है, 6 बजे चला जाता है। तो अवर बॉडी भी ऐसा ही है, लाइक अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 9-5 काम करना है, 8-6 काम करना है मैक्सिमम। तो उसके लिए एक ईटिंग विंडो चाहिए। ईटिंग विंडो 10 घंटे का भी हो, 12 घंटे का भी हो, बहुत ज़रूरी है। ईटिंग विंडो से माइटोफजी होती है, ऑटोलाइसिस होता है, कैंसर संभावना कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ती है। जो इंटरमीटेंट फास्टिंग करते हैं ना 16 घंटे का, वो सस्टेनेबल नहीं है काफ़ी लोगों के लिए। वो 4 दिन करते हैं फिर नहीं होता है,
तो ईटिंग विंडो आप 10 घंटे का भी रखो, 12 घंटे का भी रखो, चलेगा। उसके बाद जो खाना है तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, पतली छाछ पी सकते हो, पानी पी सकते हो। तो ईटिंग विंडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रिक्ट फिक्सिंग अवर फास्टिंग। तो ईटिंग विंडो करो, लेस कार्बोहाइड्रेट, लेस ट्रांस फैट। ट्रांस फैट में एक भूल गया, ट्रांस फैट कहां से आता है? आप रीहीटिंग करते हो ना, जो बाहर समोसा मिलता है, बाहर पकोड़ा मिलता है, वो रीहीट होता है। रीहीट से पॉलीअनसैचुरेटेड फैट चला जाता है, पूरा सैचुरेटेड फैट आता है। तो कभी रीहीटिंग मत करो। घर पे भी हम समोसा बनाते, टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल, डू इट, और उसको नो डोंट रीहीट। तो रीहीट से जो ट्रांस फैट बनती है, दैट इज अ वर्स्ट, वेरी हाई कंटेंट ऑफ एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो वो रीहीटिंग नहीं करना, इसलिए वी डोंट के भाई बाहर का समोसा क्यों खाओ यार, घर पे बनाओ। यस, वो कैसे पता चलेगा पहली बैच का है? 7 बजे। इसके बारे में किसको पता है कि कोई भी फूड आप देखो तो उसका कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन रेशियो 1 होना चाहिए। कितना? जितना कार्बोहाइड्रेट उतना प्रोटीन। तो जो अपनी स्नैक्स और चिप्स है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट 10 गुना है प्रोटीन से। दिस इज नॉट गुड एट ऑल फॉर द हेल्थ। मैं बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फिर क्या होता है, आप देखो, बोनविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान बूस्ट, कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम, प्रोटीन 2 ग्राम, देखो। और हम क्या बोलते हैं, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, लॉन्गर, टॉलर, शार्पर, आइंस्टाइन को दिखाते हैं, बच्चा आइंस्टाइन बन जाएगा। आप देखो उसकी हेल्थ, देखो कार्बोहाइड्रेट कितना है, 18 ग्राम है, और प्रोटीन कितना है, 1 ग्राम। सो और कौन करता है कॉम्प्लान की एडवर्टाइज? भारत रत्न। अरे यार, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी यार, मैं जो इस मंच पे बोलता हूं 10 लोग फॉलो करने वाले। तो ये चीज ये बराबर नहीं है। ये लेबल आजकल कौन लेबल पढ़ता है? आप हाथ उठा के बताओ, चिप्स के लेबल कौन पढ़ता है? लेबल कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। ये लेबल देखो, एक वेफर है, 50 ग्राम की एक वेफर है, 30 ग्राम की वेफर है, 5 रुपये की कॉस्ट है। बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, 5 रुपये में पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, 20% मार्जिन। तो कहां पे कॉम्प्रोमाइज होगा? क्वालिटी में। 99 रुपीज पिज्जा, सब दौड़ते हैं। KFC में 1 KFC पे 2 KFC फ्री, सब दौड़ते हैं। तो आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट विजिबल? मैं बताता हूं आपको, ये 30 ग्राम है, उसमें कैलोरी कितनी है? 507 कैलोरी। मतलब ये 30 ग्राम खाते हो इज इक्वल टू 1 मसाला डोसा एंड 1 इडली। ये मैंने नहीं बनाई, तो पैकेज से कल मैंने फोटो खींचा। ये सेव ममरे का नहीं, कौन सा कोई वेफर का पैकेट था। मैंने कहा लाओ तो ने देखू तो सही। प्रोटीन कितना है? 10 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कितना है? 60 ग्राम। सो प्रोटीन कार्ब रेशियो तो नहीं के बराबर है। देखो सैचुरेटेड फैट 11 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 11 ग्राम, मतलब 1.5 चम्मच घी जितना सैचुरेटेड फैट है। पोलियन सैचुरेटेड फैट का तो नाम ही नहीं लिखा, क्योंकि होता ही नहीं है इसमें। तो देखो, ये आप 30 ग्राम वेफर खाते हैं, तो 30 ग्राम वेफर में यू आर गेटिंग सो मच कैलोरी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डोंट बाय द पैकेज फूड, पैकेज ड्रिंक कभी नहीं लेना है। दे आर नॉट बेनिफिट टू द हेल्थ। बट आज हम ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, हमारे घर पे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, काफ़ी लोगों बाहर से ऑर्डर करते हैं, कितने सारे लोग पैकेज पे देते हैं, सब हमारे स्टाफ भी पैकेज फूड खाते हैं। पर देखो पैकेज फूड का कंटेंट सो डेंजरस। तो ये जनरेशन जो अभी जिंदा है, जो कॉलेज में है, जो यंग है,
उसका भविष्य देखो 15 साल के बाद क्या होगा. दे आर मेंटली नॉट वेल, दे आर फिजिकली नॉट वेल, बट दे आर ओनली मसल, ओनली वे प्रोटीन, ओनली मसल. तो दिस इज नॉट गुड. सो हेंस फोर्थ एक ही चीज यहां से आप ले जाएंगे तो ये आप इसको रीड करिए, कोई भी पैकेज फूड को रीड करिए. और आपके घर में घर पे होंगे पैकेज फूड, आज देखिए ऑर्लिक्स का कंटेंट देखिए, बोनवीटा का कंटेंट देखिए आप. ठीक है, आपके बड़े बड़े रहते हैं भाई मैं तो खाऊंगा यार अमेरिका से लाया हूं, वो अमेरिका से लोग भर भर के लाते हैं ऐसे. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. सिंगल एप्पल हैज 10 टाइम्स फाइबर देन अ कप ऑफ एप्पल जूस. तो हम ये प्रमोट करते हैं कि भाई यार पेप्सी की एडवर्टाइज, कितने नुकसान है पेप्सी के, देखो इतने सारे नुकसान है पेप्सी के, फिर भी सभी हीरो हीरोइन के पास एक पेप्सी या कोक या लिम्का या माजा, सबके पास एक एक है. राइट देखो कितना प्रॉब्लम, फॉस्फोरिक एसिड, हाई फ्रुक्टोज, पोटेशियम बेंजोनेट, ये सब कार्सिनोजन है, फिर भी आप देखो सबके पास एक एक है. कोई नहीं बोलता गन्ने का जूस पियो, कोई नहीं बोलता नारियल पानी पियो, छाछ पियो. आप देखो सिटी लाइट पे 10 नारियल वाले हैं, कागड़े उड़ते कोई नहीं होता है, जानी फरसान में लाइन लगी होती है. वो 10 लोग नारियल वाले बैठे हैं सिटी लाइट के एंट्री से नुपुर साइंस सेंटर तक, एक भी ग्राहक नहीं होता है, कितने खुश होते हैं. और वो एक तिरंगा लाओ, एक ये लाओ लोचा वाला, दोनों फुल होते हैं, बाहर तक जाते हैं. उसको बताया कि भाई लाइन में थोड़ा सा टाइम है तो जरा एक नारियल पानी भी पी ले यार तू, वो कोई नहीं पीता है. तो ये देखो कोई नहीं पीता छाछ, ओ एक्सलेंट प्रोबायोटिक्स, सब उसमें अपना मसाला होता है, स्पाइसेस, तुलसी होती है, नीम होता है, अजवाइन होती है, पानी आता है, दही आता है, बेस्ट फूड. गन्ने का जूस, नेचुरल शुगर, नो प्रोसेस शुगर, गन्ने का जूस कोई पीता नहीं है. देखो ये आप जानते हो कौन कौन है, कौन है ये बेचारे, केले खाते हैं यार, शायद पुअर होंगे, उसके पास पैसा नहीं है तो केले खाते हैं यार, वो भी बूस्ट पीता होगा, कॉम्प्लान क्यों नहीं पीता ये, वो केले खाता है बिकॉज ही नोज केला इज वेरी गुड. राइट, तो वो लोग केले खाते हैं बिकॉज दे नो, बाहर के कोई लोग ऐसी एडवर्टाइज नहीं करते. आप ये देखो ये सुनो चले तो अच्छा रहेगा. तूने पुलिस की टोपी में 3 छेद देखे होंगे, मेरे में चौथा है यहां, यहां. इसको जो जगाएगा हमेशा के लिए सो जाएगा. ये किसने देखा है मूवी, सबने, सिंघम 1 सिंघम 2, आपको लगेगा या क्या अजय देवगन है. और ये देखो रन करता रहता है तो हमेशा ध्यान से देख मेरी तरफ, दिग्विजय पाटिल तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं. तू? हाँ मैं. 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा. तू गब्बर? हाँ गब्बर. यू आर फैमिलियर विथ अजय देवगन, यू आर फैमिलियर विथ, देखो दोनों एक पद्मश्री है, ये पद्म विभूषण भी है, नहीं पद्म भूषण है और पद्मश्री है, ये भी पद्मश्री है. और ये जो है हमारे शाहरुख भाई वो भी पद्मश्री है और पद्म भूषण है.
जुबान केसरी। कोई इलायची के नाम पे बिकता है, कोई सेफरन के नाम पे बिकता है, कोई स्नफ के नाम से बिकता है। तीनों पद्मश्री है, दो पद्मश्री और पद्मभूषण है, आप समझिए। बच्चन साहब भी एक एडवर्टाइज में आते हैं, बच्चन साहब आते हैं तो दुख होता है अपने को। जब से अक्षय कुमार ने ये विमल का किया, मैंने एक भी मूवी नहीं देखा उसका। और मान लीजिए ऊपर वाला बहुत अच्छा है, उसके बाद एक मूवी हिट भी नहीं गया उसका, एक मूवी हिट नहीं गया उसका। पृथ्वीराज देखो, युवराज देखो, जो भी देखो, क्या बनाया था उसने? टॉयलेट बनाया था, पैडमैन बनाया, गब्बर बनाया, हॉलीडे बनाया। अपने को जोश आ जाता है, यार मैं ऐसा बनूंगा। पर फिर बोलता है, दाने दाने में केसर का दम, फिर चौकड़ी नहीं जाना है उसको। फिर तो वही बता रहा हूं ना कि ये सब देख के क्या होता है, ये आपने देखा होता ना। सो मार्केटिंग गिमिक्स क्या होता है? सलाड होता है, वो कवर्स विथ ऑल, सलाड में मायोनीज डाल देते तो सलाड का पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यू की बैंड बजाती है। हम सलाड है, अरे हम स्मूदी पीते हैं, स्मूदी श्रीकांत भाई, स्मूदी पीते हैं हम तो। स्मूदी मतलब इज अ वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट, वेरी हाई सैचुरेटेड फैट। वो बच्चा दौड़ता है और माँ आता है, ग्लूकोविटा दे दे बेटा, ग्लूकोविटा पी ले। फिर बच्चा पी के फिर दौड़ने लगता है, ठीक है? ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है। तो ये अपनी रियल सिचुएशन है। तो बिल्कुल जो खाना है जो आप टेक होम ले जाते हैं यहाँ से, वो वही टेक होम ले जाइए कि रिफाइंड फूड अच्छा नहीं है, फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छा है। जब हम बात करते हैं गट बैक्टीरिया की, तो गट बैक्टीरिया में गट माइक्रोबायोम्स वो फर्मेंटेड फूड से अच्छे बनते हैं, डोसा से अच्छे बनते हैं, इडली से अच्छे बनते हैं, उपमा से अच्छे बनते हैं, ना कि पिज़्ज़ा से अच्छे बनते हैं। वो छाछ से अच्छे बनते हैं, दही से अच्छे बनते हैं। अभी बोलते हैं कि सब चीज़ यहाँ पे ही है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि जब श्रीकांत भाई कुछ डील करते हैं तो श्रीकांत भाई बोलते हैं कि मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो गट फीलिंग बोलती है उसकी। चाइना में ये बिग ब्रेन है, ये छोटा ब्रेन है, हमारे यहाँ ये बिग ब्रेन, ये स्मॉल ब्रेन है, लेकिन इसकी कोई कदर नहीं करता है। वो गट बैक्टीरिया फर्मेंटेड फूड से आते हैं। तो ये एक चीज है जो हमको याद रखनी है। और दिस वॉज माई लास्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। कृपया सभी बैठ जाइए, 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। प्लीज पब्लिक में आपसे निवेदन है, कॉमर्स से ये बोल रही थी, कहती कि आपने जैसे स्लीप का कहा है और फूड का कहा है, जो लोग रात को जगते हैं लेट तक फिर खाते हैं, तो ये अपना जो आयुर्वेद कहता है कि अपनी हर बॉडी का ऑर्गन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आज के? नहीं, वही है, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट जो IT से बिलोंग करते हैं वो रात को ही काम करते हैं, तो वी टेल देम देर इज़ नो चॉइस, काम करना है तो करना है। नाइट शिफ्ट में चलती है, सबकी फैक्ट्रियां भी चलती है, लेकिन वी टेल देम नॉट टू ईट ड्यूरिंग दैट पीरियड। एटलीस्ट जितना हो सके उतना आप डैमेज कम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी एक बार गया था इमरजेंसी में 3:30 बजे, तो 3:30 बजे मैंने देखा 3 Zomato जा रहे थे ऐसे, तो मैंने Zomato वाले को पूछा, भाई तू घर जा रहा है कि डिलीवरी करने जा रहा है? नहीं, मैं डिलीवरी चिकन पिज़्ज़ा देने जा रहा हूँ। रात को 3:30 बजे भी लोग चिकन बिरयानी खाते हैं, बट आई बिलीव दे आर प्रोबेबली वर्किंग इन द नाइट। अभी वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट आया है उसमें पीपल आर वर्किंग इन द नाइट, बट देर इज़ नो चॉइस, दे हैव टू वर्क। बट एक चीज़ रखिए कि वहाँ पे कॉफ़ी कम पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेना है।
सर इट इज़ वेरी वेल नोन दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, तो इस जैक को कैसे सुधारा जाए, प्ले का कैसे उसमें समावेश किया जाए? प्ले मीन्स स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स यस इज इन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. सी स्पोर्ट्स इज एक्सट्रीमली गुड, दैट इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. Right, so that's what exercise is so important. If you are a sportsman, your half of the goal of your life is achieved, because sports or diet going hand in hand, वो separate नहीं होता है. Sportsman कभी pizza नहीं खाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ही important है. If you are a sports person, then yes, it is one of the most important. But you have already achieved 50% of your health. Would you throw some light on a leaky gut, how to manage it at a home level? Excellent. अभी leaky gut का बहुत concept चल रहा है. Diabetes भी leaky gut से होता है, cholesterol भी leaky gut से होता है. Leaky gut means presence of bad bacteria more than the good bacteria. अपने जो body है उसमें bad भी bacteria है, good भी bacteria है. Leaky gut को solve करने के लिए हमको फ्रूट्स खाने हैं, नट्स खाने हैं और फर्मेंटेड फूड को खाना है. यदि हम सोडा पीते हैं, मतलब पेप्सी पीते हैं, तो लीकी गट बढ़ती है, बैड बैक्टीरिया बढ़ता है. सो इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ अ लीकी गट डायबिटीज़ भी होता है. तो गुड डाइट, ऐसा बोलते हैं कि मेडिटेरियन डाइट इज़ द बेस्ट डाइट. बट मेडिटेरियन में नॉन वेज होता है, फिश होता है, विच वी कांट इनकॉर्पोरेटेड इन अवर फूड. बट जो हम खाते हैं इसमें रिफाइंड सैचुरेटेड फैट नहीं हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, अच्छे पल्सेस सीरियल्स, वो लीकी गट को इम्प्रूव करते. एक जानकारी आपको देना चाहूँगा. सेवंती भाई शाह ने बहुत ही अच्छी एक जानकारी साझा की है कि उनकी सबसे डायमंड इंडस्ट्री की सबसे कॉस्टली मशीन होती है लेज़र मशीन, जो वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसेसर वो है, और आइडियली उसको 24 घंटे चलाना चाहिए. बट एज ए सिस्टम, एज ए प्रिंसिपल, उन्होंने नक्की किया है 20 साल पहले कि 12 बजे से रात के लेके सुबह 6 बजे तक वो मशीन ऑपरेट नहीं होगी, कोई नाइट ड्यूटी नहीं करेगा. इस टाइप की प्रेरणा हमको भी लेना चाहिए. मैं बहुत मानता हूँ कि बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ 24 घंटे चलाना पड़ता है, बट बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम रात में अवॉइड कर सकते हैं. तो इस टाइप की प्रेरणा लेना चाहिए. बहुत बहुत आभार सेवंती काका आपका, जो आप इस टाइप की चीज़ें हमसे साझा करते हैं. सर प्रथम तो सर आपको बहुत बहुत साधुवाद. मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि आजकल की लाइफ स्टाइल से और मेडिसिन लेने से, ये गैस और एसिडिटी होती है, उसकी दवाई लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कितने टाइम तक ले सकते हैं, जो नुकसान नहीं है? सर एसिडिटी की जो दवाई मार्केट में मिलती है, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, सब सेफ होती है, नंबर वन. बट लाइफ स्टाइल पर यदि हम कॉन्सेंट्रेट करें तो एसिडिटी नहीं होगी. जल्दी सो जाए, जल्दी उठे, रात को खाना कम खाए. वो मैं जैनिज्म का बता रहा हूँ ना. जैनिज्म हैज़ अ गुड फंडामेंटल हेल्थ वाइज. जो चौवियार का जो फंडामेंटल है, यदि हम जो चौवियार करते हैं ना, तो चौवियार हम भी करने लगे ना, तो हमको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हाँ, यस यस यस. जय श्री कृष्णा. डॉक्टर साहब आजकल अपने कोको का चलन बहुत ज्यादा हो गया. सुरती कोको? हाँ, कोक. कोको या कोक? कोक और कोको, वो दोनों अलग, दोनों अलग है. लेकिन कोको 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 थोड़ा ठीक है, बिकॉज सुरती है यार. और नहीं, आजकल ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक का बहुत चलन हो गया. जब भी ये पिज्जा है, बर्गर है, या आपके हैवी जो डाइट लेते हैं, तो बोलते हैं कोक पीने से, कोको पीने से वो अपने गैस रिलीज हो जाती है, पेट को ठंडक पहुंचता. तो क्या ये सही है गलत? नहीं नहीं मोहन भाई, बिल्कुल गलत है. मोहन भाई देखिए, मैं आपको बताता हूँ. सपोज आप पिज़्ज़ा खाते हैं, आपको मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा खाया आपने, अवॉइड नहीं है. एक घर गए, वहाँ पिज़्ज़ा और स्पैगेटी के अलावा कुछ खाना नहीं मिलता है, तो खाना पड़ता है कई बार. तो मानता हूँ कि आप साथ में एक लाइम वाटर पीजिए. लाइम वाटर, मैंने आपको बताया ना कि लाइम वाटर से जो सलाइवरी एमाइलेज है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाती है, तो हम अपने को डैमेज कम करते हैं. मेरे फादर इन लॉ के घर है ना, पूरी लाइम की डब्बी होती है पूरी,
और दे आर सो हेल्दी एंड आई केम टू नो दैट इज द रीजन वाई दे आर हेल्दी. सो लाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कुछ भी एक आप चम्मच नींबू डाल दो आपकी ग्लाइसिमिक इंडेक्स इंप्रूव हो जाएगी. एक जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर धर्मेश कपूर जी का जब हमने सेमिनार किया था तब मैं एक क्वेश्चन किया था और शेयर किया था, वापस मैं वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा. एक कोक में 17 चम्मच शुगर होती है, एक कोक में 17 टीस्पून शुगर. और एक मेरा भी क्वेश्चन, इट्स नॉट ओनली द शुगर, देर आर अदर कार्सिनोजेंस. पहले आया था ना पेस्टिसाइड कितने थे, यू नो दैट इनिशियली इट केम्स इन 2015 तो पेस्टिसाइड वाला आया था, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड. एक क्वेश्चन मेरा भी रहेगा, जैसे कई बार हम लोग फ्रूट बेस्ड डाइट पे ही रहते हैं कि पूरा दिन आज फ्रूट ही खाएं, इस बारे में आपका. सर फ्रूट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, फ्रूट इज डिवॉइड ऑफ फैट, फ्रूट हैज गॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम फाइबर बोलते हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर, और फ्रूट्स में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, विटामिन्स होते हैं. तो ओकेजनल फ्रूट डाइट आप ले सकते हैं, पर ये फ्रूट डाइट लेने से, ज़्यादा लेने से ब्लोटिंग होती है, गैस होता है कई लोगों को. तो फ्रूट ऑल्सो शुड बी 1/3 और 1/4 इन योर डाइट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. सर नमस्कार, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी इतना अच्छा आता है, फिर भी सब लोग घरों में क्या आरओ वो मशीन लगाए हुए हैं, तो कितना सही है? और सेकंड, जो 20 लीटर की बोतल है लोग घरों पे मंगाते हैं, बोले ये पानी नहीं पी के वो पानी पिए, वो कितना सुरक्षा वाला है इस हिसाब से? सर मेरे घर में आरओ नहीं है और वो मैं 15 फीट की पानी नहीं पीता हूँ, मतलब ये सेफ नॉट रिक्वायर्ड. मैंने बताया ना, मुझे मेरे पेशेंट भी पूछते हैं कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस, मैंने कहा इफ़ यू आर इन अ गुड टाउन प्लानिंग प्लेस, लाइक अपना वेसू हुआ, अपना अथवा लाइन्स हुआ, जो गुड टाउन प्लानिंग वाला एरिया है, वहाँ पे वाटर क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, कॉरपोरेशन इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क, इट्स गिविंग अ एक्सलेंट वाटर सप्लाई. वो मैंने ये लेक्चर से पहले कॉरपोरेशन के एक वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर से बात किया था, मैं वो बोला, वो मैं बोल रहा हूँ मेरे ओर से नहीं है, वो वेबसाइट में भी मैंने देखा SMC की, तो दे आर डूइंग सच अ ग्रेट ट्रीटमेंट. 4 बार वाटर को ट्रीट करते वो लोग, 4 बार. तो फिर हमको पूछते, तो फिर ये डायरिया क्यों होता है, टाइफॉइड क्यों होता है? बिकॉज वी आर ईटिंग पुअर. हम पानी पूरी कहाँ से खाते हैं? ठेला से खाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होता है. कॉरपोरेशन के वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. घर पे भी आज तक कोई आरओ वाटर इंस्टॉल नहीं है, कोई नहीं है. थैंक्स टू ऑल डॉक्टर टीम, इन्हीं लोगों की सलाह से मुंदा परिवार के कृष्णगंज बंगले में आज तक ना आरओ इंस्टॉल किया है, ना आरओ इंस्टॉल किया, ना केंगेन वाटर, ना कोई तरह का कोई नहीं. थैंक्स टू राजीव मेहता और पूरे डॉक्टर टीम. और दूसरा एक लाइन और बोलो, मैं कहीं भी जाता हूँ मैं प्रयास करता हूँ उस घर का शुद्ध पानी पीऊँ, बिस्लरी की बॉटल नहीं पीऊँ. बिल्कुल नॉट रिक्वायर्ड. और बिस्लेरी वाटर, बिस्लेरी नॉट ओनली अ कंपनी, वी आर नॉट टॉलिंग अबाउट सिंगल कंपनी, बट जो प्लास्टिक बॉटल में बेंजीन आता है, पॉलीफिनॉल आता है, वो कहीं ना कहीं लीक होता है. प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना नुकसान नहीं है, लेकिन प्लास्टिक बॉटल में पानी रखना 1 महीने के बाद पीना बहुत नुकसानकारक है. कई बार हम भूल जाते हैं, अपनी गाड़ी में, कार में प्लास्टिक की बॉटल रहती है, फिर हम चले जाते हैं, 1 महीने बाद प्यास लगी, कहाँ पानी, अरे ये लेता हूँ पीता हूँ, तो वो जो हीट होती है कार में, हीट ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो प्लास्टिक बेंजीन में थोड़ा कन्वर्ट होता है, वो बॉडी में जाता है. तो प्लास्टिक बॉटल ख़राब नहीं है, अच्छे ढंग की प्लास्टिक बॉटल में 1 या 2 दिन पानी रख के आप पी सकते हैं, बट डोंट एक्यूमुलेट वाटर इन द प्लास्टिक बॉटल. नमस्कार, उपवास फास्टिंग के बारे में आपने कुछ थोड़ा गाइडेंस. सर मैंने बताया ईटिंग विंडो और फास्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अपने जो सनातन धर्म में जो फास्टिंग की जो बात किया है वो प्योर साइंस है. अब जो भी देखो हम जो खाते पीते, इट्स प्योर साइंस. अपने सनातन धर्म में देखो, सब बताते हैं, सब बात करते हैं 0-0 की, आर्यभट्ट ने क्या किया था, अभी बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, हमने बरसों से क्वांटम फिजिक्स हमने बताया, 4000 साल पहले भी हमारे पूर्वज को पता था क्वांटम फिजिक्स क्या है.
तो फास्टिंग से माइटोफेजी होती है, एबनॉर्मल सेल जल्दी मर जाते हैं, वो कैंसरस प्रोसेस में ठीक करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है, फैट एक्यूमुलेशन कम होता है, जो ग्लाइकोजन से फैट की प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, मोटापा कम होता है, इट इज एक्सलेंट। राजीव भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने बहुत लोगों को देखा है यंग जनरेशन में जिनको पानी कम पीने की आदत हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ती है, लेकिन जैसे महिलाएं हैं बाहर जाती हैं निकलती हैं, अरे पानी इसलिए नहीं पीना है कि वहाँ पे बाथरूम वगैरह का जगह नहीं मिलती हमको, फिर वो धीरे धीरे वही पानी पीने की आदत कम पड़ने लग जाती है, इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए अतुल भाई, पानी इज मस्ट, 3 लीटर्स 2.5 लीटर्स पानी तो पीना ही पीना है, इसलिए आप है ना अपने सामने पानी की बोतल को रखा करिए, विजुअलाइजेशन का जो इफेक्ट है ना वो कहीं पे नहीं, विजुअलाइजेशन, मेरे आगे एक पानी की बोतल पड़ी होती है, विजुअलाइजेशन कुछ और है यार, तो पीना रह गया, अरे एक घंटा हो गया चलो थोड़ा गल्प कर लो, तो ऐसे ऐसे एक प्रैक्टिस को कल्टिवेट करना है, ये ओवरनाइट ठीक नहीं होने वाला, इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, हम बता रहे कि डाइट न्यूट्रिशन ये एसेंशियल 5 हमारी जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी पूरी जिंदगी चलानी है, ये डाइट पूरी जिंदगी चलाना है। डॉक्टर साहब, आजकल दीक्षित डाइट का बहुत प्रचलन है, कहाँ तक ये सही है और अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? सर, दीक्षित साहब को मैं पर्सनली मिला हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 आवर्स फास्टिंग विंडो, बहुत सारा उसने काम किया है, इनक्रेडिबल वर्क, पार्लियामेंट में भी उसको बुलाया गया है, सीआर पाटिल साहब ने काफ़ी बार यहाँ पे बुलाया था दीक्षित साहब को, उनका इनक्रेडिबल है सर, ही टॉक्स वेरी सेंसिबल, ही टॉक्स ऑल साइंटिफिक बेस, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसको सस्टेन करना मुश्किल है। आज 10 दिन में इंटरमिटेंट फास्ट करूंगा, 11वें दिन नहीं होगा ये, इसलिए मैं बता रहा हूं ईटिंग विंडो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नैरो करिए, नैरो आपके ऊपर है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, बट 10 घंटा भी करेंगे तो दीक्षित साहब जैसा बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाफ तो बेनिफिट मिलेगा, 1/4 तो बेनिफिट मिलेगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस में लाना है। आप देखो दीक्षित डाइट से सब पतले हो जाते हैं, फिर 2 महीने बाद वही आदमी मोटा हो जाता है, क्योंकि उसको सस्टेन नहीं कर पाते हम, 16 घंटे फास्टिंग इज लिटिल डिफिकल्ट अपने लिए। नमस्कार सर, गर्म पानी हर बार पीना चाहिए कि नहीं, और खाने के बाद खास? सर मैंने बताया गर्म या ठंडा पानी कोई मैटर नहीं करता है, बॉडी अपने आप उसका टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है, तो यू कैन ड्रिंक गर्म वाटर, यू कैन ड्रिंक कोल्ड वाटर, रहने की बात है कि खाने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, अपना आयुर्वेदा ना बोलता है कि नहीं पीना चाहिए, इसलिए डाइजेस्टिव प्रोसेस कम होती है, लेकिन मेरे लिटरेचर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट आप पियो तो भी तकलीफ नहीं है, नहीं पियो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। नहीं जय, एक बात मैं और पूछता हूँ कि खाने के बाद सब बोलते हैं ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो गर्म पिए तो कुछ तकलीफ? सर कोई तकलीफ, कोई भी पानी पी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। अपने जैसे ड्रिंकिंग विंडो का टाइम बताया 5 to 7, 7 to 5, बट रात को तो पानी पीना ही पड़ता है, जैसे मेरा वो वही बता रहा है, तो आपको सिपिंग करना है, गल्प नहीं करना है, आप पी सकते हैं लेकिन 3 बार आपको यूरिन के लिए उठना पड़ेगा। हाँ वो है, लेकिन नुकसान तो नहीं? नुकसान कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजीव मेहता जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हम सबको बताया, प्लीज़ अगले सेमिनार की डेट नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही सीनियर सुप्रसिद्ध डॉक्टर कुमार नायक का 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, डॉक्टर कुमार नायक का सेमिनार इसी हॉल में होगा, नोट कर ले वे, थैंक यू वेरी मच।
है।